इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन पूरी तरह हिंदू रंग में रंगा हुआ है। वहाँ जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं और बड़े मंदिर हैं, तो लोगों के नाम हिंदू में रखे जाते हैं। हिंदू परंपराओं का पालन होता है। और तो और, वहाँ की करेंसी में भगवान गणेश जी की तस्वीर रहती है। आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छपी है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में करीब 87.5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, वहां सिर्फ 3% हिंदू आबादी है। आइए जानते हैं आखिर क्यों वहां के नोट पर गणपति जी विराजमान हैं। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। वहां 20,000 के नोट पर भगवान गणेश जी की फ़ोटो है। दरअसल भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा और कला का देवता माना जाता है। इंडोनेशिया में 20,000 के नोट के सामने भगवान गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट हैं। साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री की हजर देवांतरा की भी तस्वीर है। देवांतरा इंडोनेशिया की आज़ादी के नायक रहे हैं। कहते हैं कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। वहां के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने बहुत विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया जिस पर भगवान गणेश जी की तस्वीर को छापा गया। लोगों का मानना है कि इसी कारण वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में गणेश ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन आर्मी के मैस्कोट हनुमान जी हैं, और वहां के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। आप तस्वीरों में कृष्ण और अर्जुन को देख सकते हैं। साथ ही गटोड़ गच्छ की प्रतिमा भी स्थापित है। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।